सीरियस टॉपिक है, कोई हंसेगा नहीं, मैं पहले बता देती हूँ। तो मेरा नाम शिप्रा कुशवाहा है और मैं एक मीडिया स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मीडिया स्टूडेंट हूँ। तो बात ये है कि मुझे क्या लगता है ना कि हर एक चीज में कहानी होती है। जैसे अभी मैं सुनाऊंगी आपको, सुनना, ये भी एक कहानी है। मेरे दोस्त जो घर जा रही है बिना सुने मेरा, वो भी एक कहानी है। तो कहानी हम कब लिखते हैं? जब हमारे पास कोई होता नहीं है हमारी बातें सुनने के लिए, हमारे जज्बात जानने के लिए कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, तब हम लिखते हैं। बस हमारे पास एक कलम होती है और एक पन्ना होता है जिससे हम लिखते जाते हैं। इसी लिखने के संबंध में मेरी मुलाकात हुई एक शब्द से, डिप्रेशन। वो एक ऐसा शब्द है जिससे मैंने कई लोगों से जानने की कोशिश की कि एक्चुअली डिप्रेशन होता क्या है। कई लोगों से मैंने बात किया लेकिन मुझे इसकी करेक्ट जो डेफिनेशन होती है ना, वो कभी नहीं मिली। तो इसी के लिए खोज खोज में मुझे एक लड़की मिली, एक 17 साल की लड़की जिसका नाम था वर्षा। वर्षा से मिलकर मुझे ये पता चला कि एक इंसान जो डिप्रेशन में होता है वो क्या फील करता है। उससे बात करके ना उसने मुझे बताया कि जो इंसान डिप्रेशन में होता है उसके आस पास जो लोग होते हैं ना, उनके लिए डिप्रेशन का एक अलग ही अर्थ होता है। जैसे कि घर वालों के लिए डिप्रेशन होता है कि आलस पर, दोस्तों के लिए होता है कि भाई तो काट के चली गई, डिप्रेशन उनके लिए वो होता है। लेकिन इसका जो सही मायने है ना, वो कोई नहीं जानता है। तो वर्षा से जब मैं बात की ना, तो उसने मुझे समझाया कि जब एक इंसान डिप्रेशन में होता है, कोई सुन नहीं रहा है ना, सुन रहे ना सर, डिप्रेशन में होता है तो उसे ना अपने आप पे शक होने लगता है, अपनी काबिलियत पे शक होने लगता है। उसे ये लगता है कि उसे कोई समझेगा नहीं, उसे कोई सुनेगा नहीं, उसकी बात जो है ना, वो जो बयान करना चाहता है उसको कोई सुनने वाला नहीं है। तब जब मैं वर्षा से बात ही कर रही थी तो उसने बताया कि जो होता है ना, कहते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, वैसे ही जो गम होता है ना वो बांटने से कम होता है। जो बात यहाँ पे रहती है ना हमारे दिल में, अगर वो बयान हो जाए तो कभी यहाँ पे जाके डिप्रेशन नहीं बन सकती है। तो दिक्कत कब होती है ना, जब बातें यहाँ पे भर जाती है और यहाँ से बयान नहीं हो पाती है। जब दिमाग में बातें भर जाती है और वो दिल बयान नहीं कर पाता है तो उसे शब्द दिया जाता है, डिप्रेशन। तो अब से ना, अगली बार जब मैं वर्षा से बात की तो उसने मुझे बताया कि जब वो मुझे अपनी कहानी सुना रही थी तो उसने कहा कि दी मुझे आपसे बता देना, मेरा दिल मुझे हल्का महसूस हो रहा है कि जो इतने सालों से जितना दर्द था, जो इतनी कहानी थी, वो मैं आपको बता के बहुत हल्का फील कर रही हूँ। तो अगली बार से ना, अगर कोई परेशान दिखेगा आपके बगल बैठा हुआ तो आप उसका मजाक बनाने के बजाय जाके उससे 2 पल बैठ के बात कर लेना, 2 पल उससे अपना गम उसका बांट लेना, क्योंकि गम जो है ना वो बांटने से कम हो जाता है और खुशियां बांटने से बढ़ जाती है। तो अगली बार अब टाइम कम है तो अपनी कहानी और छोटी कर देती है। तो नहीं, एक नया वो ये फिक्स्ड है, आप इसमें खुश भी रह लीजिए, दुखी भी हो जाइए। तो अगली बार जब आप ना परेशान हो ना, तो किसी एक ऐसे दोस्त को फोन लगाना, और दोस्त भी वो चुनना जो आपके साथ बैठ के आपको समझाए, आपको बताए कि क्या सही और क्या गलत, मेरे जैसा आपको सही रास्ता दिखाए। तो क्योंकि जो दोस्त होते हैं ना बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको ना दोस्तों में एक सही दोस्त होना बहुत जरूरी होता है, जो आपको समझाए और बताए कि हाँ ये गलत है और वो सही है। क्योंकि अगली बार जब आपकी मुलाकात किसी वर्षा से हो ना, तो आप उसके साथ बैठ के जो पल वक्त बिता लो और उसका गम जो है वो बांट लो, ताकि अगली बार कोई गम में मरे ना, ठीक है। वो एक चीज ध्यान रखते ना, वो मीडिया स्टूडेंट है,
वो असर दिख जाता है मीडिया में। इससे पहले मैं आई थी, वो भी मेरी कहानी लेके आई थी, मैं पोएम लेके आई थी, लेकिन वहाँ पे सीन ऐसा हो गया था कि मुझे ऑन द स्पॉट शायरी ऐसे छोटी 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 करनी पड़ी थी। यही सच्चा है मीडिया स्टूडेंट, ये तुम रुको, तुम्हें से पहले हमको जाना है।